बांदा में नगर पंचायत की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इलाज के अभाव में एक दर्जन गौवंशों की मौत हो गई। अन्य गौवंश भी अजीब बीमारी के चलते मौत के मुहाने पर खड़े हैं। ग्रामीणों द्वारा लगातार सूचना देने के बाद भी जिला प्रशासन कोई खैर खबर गौवंशों की नहीं ले रहा। आपको बता दें कि मामला बबेरू तहसील के मुसीवा गाँव का है, जहाँ गौशाला में लगभग 500 गौवंश है। बारिश के मौसम में गौवंश बाहर चारा चरने जाते हैं, मगर पिछले एक हफ्ते से कई जानवरों की हालत ठीक नहीं दिख रही। इसी के चलते पिछले 3 दिनों में लगभग एक दर्जन जानवरों की मौत हो चुकी है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने नगर पंचायत सहित सभी आला अधिकारियों को दी, पर लापरवाही के चलते अभी तक कोई भी उपाय नहीं किए गए। ग्रामीणों ने बताया कि चारा चरने के बाद जानवरों की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और थोड़ी देर बाद ही दम तोड़ देता है। कोई नहीं आ रहा, बोल भी रहे, यहाँ कोई नहीं रहा। यहाँ इलाज करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इलाज कराना चाहते हैं। यहाँ करने जा रहे हो, ये खत्म हो गया है, उसको बाहर करना है, है ना? हमको भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि इस समय बीमारी भी बहुत फैली है इसमें। हमको भी बीमारी हो सकती है। हमारे गौशाला में पता नहीं क्या बीमारी की 10-12 गाय खत्म हो चुकी हैं, और चराने पिलाने की कोई दिक्कत नहीं है, चारा पाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, चर पी की आती है, फुल रहती है। पता नहीं कोई बीमारी लगी है कि तुरंत मर जाती है घंटे डेढ़ घंटे में। 12-13 गाय खत्म हो चुकी है, अब कोई नहीं आया। हम लोग प्रधान से भी बोल चुके हैं, प्रधान कहता है कि मैं फोन करता हूँ, भाई कोई आता ही नहीं। ये परेशानी है कि ऑटोमेटिक बीमारी आती है, हम लोग चराते हैं, सब जाते हैं, जानवर चरा के लाते हैं, फिर खत्म हो जाता है। तो ये है कि कोई अधिकारी आए, इनकी जांच करे, ऐसा ना हो कि इनके साथ हमें भी कुछ हो जाए। ये जाते हैं और डोलते रहते हैं, अब इसके बाद जो है ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अचानक खत्म, अचानक। अरे 2 दिन में, 1 दिन में चटापटी होते हैं। अभी इसका कोई ये तो नहीं बता सकते, ऐसा कुछ नहीं समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जाते हैं, चलते चलते बस ऐसी डोले और गिर गए, खत्म हो गए, इसी में रहते हैं। कई लोग है इसी में रहते। इस तरह की अजीब बीमारी से लगभग कई गौवंश ग्रसित है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अगर जल्द से जल्द कोई इलाज नहीं किया गया तो देखते ही देखते गौशाला में मौजूद गौवंशों की संख्या कम हो जाएगी, जो कि अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। जिले के आला अधिकारियों की इस भारी लापरवाही की सजा बेगुनाह जानवर भुगत रहा है। पंजाब केसरी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।